दोस्तों, मैं आज का इस वीडियो में बताने वाला हूँ, अगर आप दिल्ली से हैं या दिल्ली में रहते हैं और बस का सफ़र करते हैं तो ये वीडियो खास आपके लिए है। जैसा कि जानते हैं, दिल्ली में बहुत ज़्यादा बस में भीड़ होते हैं। भीड़ के कारण जो है आपको टिकट लेने में बहुत ज़्यादा परेशानी होता है, तो आप ई टिकट को बुक कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके से अपने सीट पर बैठे बैठे आप टिकट को बुक कर सकते हैं, आपको काउंटर पर जाने की ज़रूरत नहीं है। और उसी तरह से आप ई पास को भी यहाँ पर बुक कर सकते हैं। तो अगर आप जानना चाहते हैं किस तरह से ई टिकट को बुक किया जाता है, तो इस वीडियो जरूर शुरू से आखिर तक देखें, और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। तो सबसे पहले आपको प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है और एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है जिसका नाम है चार्टर। ठीक है, यहाँ से चार्टर बस ई टिकट मैं सर्च किया, सबसे ऊपर ही आपको एप्लीकेशन मिल जाएंगे, आपको इसको इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, चलिए मैं इंस्टॉल पे क्लिक किया, ओपन पे क्लिक करना है। कुछ परमिशन मांग रहा था, आपको यहाँ पे अलाउ कर देना है। ठीक है, उसको देखिए यहाँ पर आपको अकाउंट बनाना है। अकाउंट बनाना बहुत आसान है, मेल फीमेल ठीक है, जो भी आप हैं उस पर क्लिक कर देना है, और क्लिक करना सेट जेंडर पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको नाम एंटर करना है, यहाँ मोबाइल नंबर एंटर करना है और सेंड ओटीपी पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे उसको यहाँ पर ओटीपी एंटर कर देना है, 0125 0125, तो मैंने एंटर कर दिया। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपका अकाउंट यहाँ पर बन जाएगा, यहाँ पर आपका नाम शो करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पर देखिए बाय टिकट है, उसको यहाँ देखिए बाय डीटीसी डेली पास है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर बाय टिकट करना चाहते हैं इस पर क्लिक करेंगे, अगर आप पास बनाना चाहते हैं तो आपको इस पर क्लिक करना है। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, बाय टिकट पर पहले क्लिक करके आपको टिकट को बाय करके आपको दिखाते हैं। मैंने इस पर क्लिक किया, जैसे आप क्लिक कर दिए स्कैनर यहाँ पे ओपन हो जाएंगे, और डायरेक्ट आप क्यूआर कोड पे स्कैन करके आप यहाँ बस का डिटेल्स निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे सामने यहाँ पर जो है क्यूआर कोड लगा हुआ है, तो मैं डायरेक्ट इस पर स्कैन करके यहाँ पर कर सकते हैं, या फिर क्यूआर कोड अगर दूर में है तो अगर आप वहाँ पर नहीं जा सकते हैं तो उस पर नंबर लिखा होता है। ठीक है, तो आपको क्या करना, नंबर यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पर तीन नंबर शो कर रहा है, DL1PB और यहाँ पर DL1PC DL1PD। ठीक है, तो दिल्ली में यहाँ पर तीन तरह का बस चलता है, रेड ग्रीन और ऑरेंज। ठीक है, तो मैं जो बैठा हूँ वो है ग्रीन बस है, तो मैं यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ DL1PC। मैं इस पर क्लिक किया और यहाँ पर आपको बस नंबर एंटर कर देना है। अगर बस नंबर पता नहीं है तो क्यूआर कोड में लिखा हुआ आप दे सकते हैं, या फिर किसी का भी टिकट उसका लेंगे उसमें लिखा रहता है बस का नंबर, तो आपको क्या करना है यहाँ पर एंटर कर देना। तो मैं एंटर कर देता हूँ, जैसे आप क्लिक करेंगे तो उसको देखिए बस का डिटेल्स आ चुका, टिकट प्राइस के ऑप्शन पे आ जाएंगे। ठीक है, सेलेक्ट फेयर है और दूसरा ये सेलेक्ट एंडिंग। ठीक है, तो सेलेक्ट फेयर में यहाँ पे देखिए आपको शो करेगा आपको टिकट का जो प्राइस है वो यहाँ पर शो करेगा, 5, 10 और 15 है। अगर आपको पता है जहाँ जाना कितना किराया है तो यहाँ से डायरेक्ट आप सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर देखिए यहाँ पर सेलेक्ट एंडिंग पे क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए सारे डिटेल्स आ जाएंगे, जितने भी स्टॉपेज है इसका है वो लिस्ट यहाँ पर शो करेगा। ठीक है, तो आपको जहाँ भी जाना है आपको उसको सेलेक्ट करना है। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ जामा मस्जिद। जैसे मैंने क्लिक किया तो इसका जो प्राइस है वो 5 रुपये है। ठीक है, पर ऑनलाइन टिकट बुक करने से मेरा यहाँ फ़ायदा ये चीज़ के हुआ है, कुछ 10% यहाँ पर डिस्काउंट मिल चुका है। यहाँ पर आप देखते मेरा जो पे करना पड़ेगा यहाँ पर 4 रुपये 50 पैसे ही पे करना पड़ेगा, जो कि टिकट इसका प्राइस है वो 5 रुपये है। उसको देखिए यहाँ माइनस प्लस का ऑप्शन है, अगर एक से ज़्यादा बंदे हैं तो यहाँ से प्लस करके आप इसे बढ़ा सकते हैं, या इसे कम करना चाहते हैं तो माइनस पर क्लिक करके कम कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से करने वाले यहाँ पे पर क्लिक करेंगे। जैसे पे पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर 3 ऑप्शन मिल जाता है पेमेंट करने के लिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए फ़ोनपे पेटीएम और अमेजोन, तो जिससे आपको पेमेंट करना आप उस पर क्लिक करना है। ठीक है, तो पेमेंट किस तरह से किया जाता है उसे बताने की ज़रूरत नहीं, सबको पता है। चलिए मैं पेमेंट करने के बाद आपको दिखाते कि टिकट किस तरह शो करेगा। मैं फ़ोनपे क्लिक किया, उस पर देखिए यहाँ पर आप जैसे टिकट को बुक कर लेंगे, और भी टिकट को बुक करना तो फिर से आपको यहाँ बाय टिकट पे क्लिक करके टिकट को बुक कर सकते हैं, या डेली पास को बुक करना चाहते हैं आपको उस पर क्लिक करके बुक कर सकते हैं। और टिकट जितना भी आप बुक करेंगे उसको देखने के लिए क्या करना है, यहाँ व्यू टिकट पर क्लिक करेंगे, जो भी करंट आप टिकट बुक करेंगे वो यहाँ पर शो करेगा। और भी टिकट अगर आपने पहले से बुक कर रखे हैं तो यहाँ देखिए ऑल टिकट पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप टिकट पर क्लिक करेंगे तो जितने भी आप टिकट बुक करेंगे सारा का लिस्ट यहाँ पर आपको शो करेगा। ठीक है, देखना चाहते हैं इस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। ठीक है, इसका खास बात आपको एक और बता दें, यहाँ पर देखिए लाइव वाला ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे
तो जितनी भी बस आपके आसपास में हो यहाँ पर आपको शो करेगा। यहाँ पर करंट पे आपको जैसे लोकेशन पे क्लिक करेंगे तो जितनी भी बस होगा यहाँ पर आपको शो कर, आप इसको जूम करके देख सकते हैं ठीक है, कौन कौन से बस है वो रूट कितने नंबर है उसके यहाँ पर शो कर रहा है, उस पर आप क्लिक करके आप इसका डिटेल्स को जो है देख सकते हैं। यहाँ देखिए बस नंबर सारा डिटेल्स यहाँ पर आ चुका है। तो ये बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन, अगर आप इसे यूज करेंगे तो यहाँ पर आपको 10% आपको डिस्काउंट भी देखने को मिल जाता है। तो ये वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताएं, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इसी तरह का वीडियो देखना आप पसंद करते तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हैं, और मन में अगर कोई सवाल हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, खुदा हाफिज़।